से बोली सुनाई दी और अमृतारी से गुरु ग्रंथ जी महाराज के पास सीने विचार की। अमृतसर जून 1984 च भारत की कांग्रेस सरकार वालों सचखंड श्री हरिमंदर साहब से किए गए फौजी हमले दौरान जख्मी हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप के इस बार भी 2 जून तो 5 जून तक संगतों को दर्शन करवाए जा रहे हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के इस पावन स्वरूप के बीते साल पहली बार संगतों को दर्शन करवाए गए थे। इस मौके श्री अकाल तख्त साहिब के मुख्य ग्रंथी ज्ञानी गुरमुख सिंह ने कहा कि सचखंड श्री हरिमंदर साहब और श्री अकाल तख्त साहब से जून 1984 का फौजी हमला सिख मानसिकता का सदीव हिस्सा बन चुका है और हर साल जून महीना चढ़द्या ही सिख कौम के ये अले जख्म रिसण लगते हैं। श्री हरिमंदर साहब विखे प्रकाशमान इस पावन स्वरूप च दक्षणी बारी राही गोली लगी सी। उन्हां संगतां नूं मशीन गन दी उस गोली का सिक्का भी दिखाया जो पावन स्वरूप से लगी सी। उन्हां कहा कि इस फौजी हमले दौरान सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे सुशोभित पावन स्वरूप नूं गोली नाल जख्मी कर दिता गया सी, जिस दे संगत नूं दर्शन करवाए जा रहे ने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। समुचे विश्व भर के देश विदेश दंगतों को पता कि सिख कौम जी सरबत का भला मंगने वाली कौम आ। सतगुरु गुरु रामदास महाराज की वसाई हुई नगरी राजतीर्थ सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री अकाल तख्त साहब साढ़े भारत की कांग्रेस सरकार वालों 1984 के दरमियान संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरांवाले तो उन्होंने सूरबीर योध्यां नूं फड़न दे बहाने दे विच समुची कौम की नसलकुशी करन वास्ते सचखंड श्री हरिमंदर साहब ते होर 38-40 गुरधामां ते हमला कीता तोपां टैंकां गोलियां नाल, जिथे बेदोशे संगत दे रूप विच आए लोग श्री गुरु अर्जन देव महाराज का शहीदी दिहाड़ा मनाउण आए सन उन्हां उपर गोलियां चलाईयां ते जिउंदे जी भी सुन विच आउंदा है कि जिउंदिआं दीआं जिहड़ियां लाशां जिहड़ियां उन्हां दा अंतम संस्कार कर दित्ता समें दी हकूमत ने। उत्थे नाल ही सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी विच प्रकाश सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे पावन सरूप नूं 99 अंग तक गोली लगी, जो श्री दरबार साहब वल्लों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों ये दर्शन करवाउण दा प्रबंध किया गया है। वो आपां सारिआं नूं पता है कि सिख कौम नूं ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, 8 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ? ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਆ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪਾਕ ਰਹੀਏ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੀਏ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਪਾਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਸਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੱਖਣ ਦੀ ਵਾਹੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਾਲਮ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਗੋਲੀ
दखल की बाही का दरवाजा पाड़ के धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के पावन सीने में आके लगी, जो गोली भी आप जी को दिखाई जा रही है और गुरु साहब जी के पावन स्वरूप के जो गोली लगन के कारण पाड़ पिया वह भी आप जी को दर्शन करवाए जा रहे हैं। ये अज 2 जून तो लैके 5 जून तक सवेरे 9 बजे तो लैके शाम के 7 बजे तक आप सरबत संगतां नूं खुले दर्शन की दार श्री अकाल तख्त साहब जी के मगरले पासे धन शहीद बाबा गुरबख्श सिंह जी का पावन अस्थान इस अस्थान से आप जी नूं दर्शन 5 जून तक करवाए जाएंगे। गोली लगन के कारण जो गुरबाणी के पावन अखर खिंड के बाहर आए वह भी आप जी नूं एक खजाने विच इन्हां चैनलों के माध्यम के राही आप जी नूं दर्शन करवाए ने। वह गुरबाणी के पावन अखर पहले पावन अंगा तो लैके श्री सुखमनी साहब जी की 16वीं अष्टपदी तक रूप सत जाका सत अस्थान इस गुरबाणी की पावन पंक्ति तक जो अखर सन वह गोली लगन कारण खिंड के बाहर आए वह भी आप जी दर्शन कर रहे हैं। संगतों की अपील करते सरबत संगत इस घलूकारा जून 1984 का जो हरेक साल समुचे खालसा पंथ वालों श्री अकाल तख्त साहब जी विखे बहुत चढ़दी कला सहित मनाया जाता है, आप गुरबाणी का जाप करते हुए वाहिगुरु का सिमरन अभ्यास करते हुए गुरबाणी का कीर्तन सरवण करके सचखंड श्री हरिमंदर साहिब अते श्री अकाल तख्त साहब जी विखे पहुँचो, गुरु साहब जी के दर्शन दीदार करके सचे पातशाह जी के उन्हां महान शहीदों नूं सरताजलि चढ़दी कला सहित आप अर्पण करो। अमृतसर तो प्रिंस हरदेव की रिपोर्ट, रंगला टीवी।